सवाल शकील साहब का जद्दा से पूछते हैं, क्या बकरे की ओझड़ी खाना हराम है? या हमारे एक साथी का कहना है कि हदीस में उसे हराम करार दिया गया, इस बारे में ज़रा वजाहत फरमा दीजिए। नहीं जी, इन्होंने सही नहीं सुना। इस बारे में कोई हदीस नहीं है कि जिसमें ओझड़ी को मकरूह कहा गया हो या इसको हराम कहा गया हो। तो ओझड़ी को भी अगर साफ़ कर दिया जाए तो वो हलाल है। और बाज़ अहले इल्म ने इस वजह से कि चूँकि उसमें फजलात जमा होते हैं तो इसकी कराहत का कौल किया है, लेकिन उस कौल को लिया नहीं गया। क्योंकि अहादीस से बाज़ रिवायात से जो उसके ममनू आज़ा समझ जाते हैं कुर्बानी इसके जानवर के, तो उसमें से ये ओझड़ी शामिल नहीं है। और जमहूर उम्मत इसी को इसी पर ही यहीं फतवा देती आ रही है कि ओझड़ी खाने में कोई हर्ज नहीं। एक है बाल लोगों ने जो कहा है उसकी एक तौजी ये जहन में आ सकती है कि उन्होंने तबी तौर पर कहा हो कि तबी तौर पर इसमें कराहत है। तो अगर किसी आदमी को तबी तौर पर कराहत आती है उस वजह से वो कह रहा है कि जी मैं नहीं खाता, तो उसको मजबूर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वजह से उसको शरी तौर पर मकरूह कहना या उसको हराम कहना, नाजायज़ कहना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।